दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार को बड़ा फैसला किया है। फैसला यह है कि अब हर किसी को फ्री बिजली नहीं मिलेगी। सरकार जो बिजली की सब्सिडी देती थी अब नहीं देगी। सरकार लोगों से पूछेगी कि क्या आपको फ्री बिजली चाहिए। अगर किसी ने हाँ कहा तो उसे फ्री बिजली मिलेगी, सब्सिडी दी जाएगी। अगर किसी ने कहा कि नहीं हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए तो उसे फ्री बिजली नहीं दी जाएगी। फ्री बिजली पाने वालों में बिहार से गए वे लोग सर्वाधिक संख्या में हैं, जो वहां छोटी मोटी नौकरी करते थे या काम धंधे में लगे हुए हैं। ये लोग फिलहाल तनाव में तो आ ही गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में सक्षम लोग हैं। इन सक्षम लोगों ने ही उनसे कहा है कि आप हर किसी को फ्री बिजली ना दें। फ्री बिजली के चक्कर में आप जो सब्सिडी देते हैं उस पैसे को किसी स्कूल अस्पताल में लगाएं, उससे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जितना आसान ये सब देखने में लग रहा है उतना आसान नहीं है। आजकल अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है, उस पर अमल कब होगा पता नहीं। बेशक यह योजना अक्टूबर से शुरू होगी, पर तब तक तो लोग तनाव में ही रहेंगे। इसका प्रोविजन क्या होगा, लोग सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, कौन फ्री बिजली के योग्य है और कौन नहीं, इसका पता कौन चलाएगा, अभी इसकी प्रक्रिया का पता नहीं है। दिल्ली में बिहार यूपी के लोग सबसे ज्यादा हैं और फ्री बिजली के लाभान्वितों भी सबसे ज्यादा यही है। बिहार के लोग दिल्ली में कमाने खाने जाते हैं। कोई 10-20 हजार की नौकरी करता है तो कोई 15-20 हजार की। दिल्ली में मकान महंगा है। केजरीवाल सरकार को दोनों टर्म में फ्री बिजली पाने के नाम पर ही सत्ता मिली थी। सबसे ज्यादा वोट देने वाले बिहार यूपी के ही लोग थे। ये वो लोग थे जो बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान थे। जब पहली बार केजरीवाल ने घोषणा पत्र में लिखा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, तो लोगों ने आप पार्टी पर भरोसा कर जबरदस्त तरीके से वोट दिया। दूसरे टर्म के चुनाव में भी फ्री बिजली वाला वादा बरकरार रहा। दूसरी बार भी इसी लाभार्थी वर्ग ने केजरीवाल को जमकर वोट दिया। अब जबकि केजरीवाल ने एक तरीके से बिजली बिल पर रोल बैक कर लिया है तो बिहार यूपी के लोग खासे तनाव में हैं। अगर उनका यह तनाव बरकरार रहा तो आने वाले वक्त में दिल्ली की सियासत में कुछ भी हो सकता है। अब देखना होगा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में इस फैसले को लागू कराने में कितना समय लगाती है और इसका असर आम लोगों पर जिन्हें सब्सिडी मिलती थी उस पर क्या होता है और उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।